हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका एक न्यू ब्लॉग में। तो हम लोग आज जा रहे हैं डिनर करने के लिए बाहर। तो आज हमने सोचा आज खाना बाहर खा लेते हैं। और ये मैं और अजय भाई किसी बात पे डिस्कस करते हुए जा रहे थे, इतने में अजय भाई ने मेरे एक रैपटा मारा और उसके बाद में अजय भाई मुझसे करने लगे मस्ती। साथ में सौरभ भाई भी थे जो कि चुपचाप से चल रहे थे। सौरभ भाई ने फिर हमें बोला कि कुछ तो खाना है अच्छा सा आज। फिर ऊपर से जा रहा था एक प्लेन जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर यहाँ पे दो चाचा भतीजे बैठे हुए पी रहे थे चाय, और साइड में थी एक ग्रोसरी शॉप और यहीं पे एक हेयर सैलून जिसमें हेयर कटते हैं 5 दिरहम के। तो यहाँ पे बहुत सस्ता है और अच्छा हेयर कटिंग करते हैं ये लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कभी कभी आ जाते हैं। और ये सौरभ भाई की एक अच्छी सी मुस्कुराहट, इसके बाद में हमें दिखता है कि यहाँ पे एक सुंदर सा रेस्टोरेंट जिसकी डेकोरेशन थी एक बहुत ही अच्छी डेकोरेशन, और यहाँ पे बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है। पर हमें यहाँ पे खाना नहीं खाना था, हमें खाना था ढाबा कराची रेस्टोरेंट में, क्योंकि वहाँ पे मिलते हैं अच्छे पराठे और मोमोज। तो हमें जाना था ढाबा कराची रेस्टोरेंट में, यहाँ पे भी थोड़ा अच्छा खाना मिलता है। और हम पहुँच गए ढाबा कराची रेस्टोरेंट और हमने दिया वहाँ पे ऑर्डर। जब तक हमारा ऑर्डर रेडी होके आएगा तब तक हम पी लेते हैं पानी, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की प्यास। और मैंने पानी किया ग्लासों में, अजय भाई ने बोला मेरे को भी एक ग्लास पानी देना क्योंकि उनको भी लगी थी प्यास। उसके बाद में मुझसे थोड़ा सा पानी गिर गया नीचे जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पे। तो उसके बाद में मैंने वो पानी कर दिया क्लीन, किसी को बोला नहीं, खुद से मैंने वो पानी क्लीन कर दिया। और मेरा एक भाई था जो कि उधर क्लीन कर रहा था, वो उधर बिजी था तब, तो क्या ही उसको बोलना। तब तक मैंने टेबल कर दिया अपना साफ। उसके बाद में आ गया हमारे ऑर्डर, और ये लजीज गोभी के पराठे जो कि मिंट चटनी के साथ में थे। तो जितने देखने में सुंदर लग रहे हैं उतने ही खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और इनका प्राइस ज़्यादा नहीं, 1-3 दिरहम का एक मिलता है जो कि इंडिया का बैठता है 60-65 समथिंग। तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और अगर आपको इधर आना है तो आ सकते हो, आपको अच्छे प्राइस में यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और यहाँ पे जो है ना एकदम टेस्टी खाना मिलता है, जैसा हमारे इंडिया में मिलता है वैसा ही यहाँ पे बहुत अच्छा और टेस्टी खाना मिलता है। उसके बाद में हमने ऑर्डर किया वहाँ पे मोमोज, उसके बाद में हमने ऑर्डर किया मोमोज जो कि हमें मोमोज खाने थे, और ये 7 पीस जो कि हमें पड़ा है 20 दिरहम में। अगर हम इंडिया के उससे कंपेयर करें तो हमें मिलेगा 450 का, और ये मोमोज थे बहुत ही लजीज। उसके बाद में हमने खाना खाया, और आप अगर यहाँ की डेकोरेशन देखेंगे तो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन है जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑफ़र लगे हुए हैं, ऑफ़र जस्ट लाइक ए बाओ, और जो भी आपको यहाँ पे चाहिए मिल सकता है। तो हमने वहाँ पे बिल किया और उसके बाद में हम निकल गए अपने रूम के लिए। जैसे ही हम अपने रूम के लिए जा रहे थे तो हमें साइड में मिला एक मॉल। फिर तो अजय भाई का तो पूछो ही मत, अजय भाई तो मॉल को देखते ही बस समझ लो कि इनको कुछ ना कुछ लेना ही है वहाँ से, बिना लिए ये कभी जाते नहीं है, इनको कुछ ना कुछ चाहिए ही तो चाहिए। उसके बाद में मैं और सौरभ भाई बातें करते हुए जा रहे थे। इस मॉल का नाम है हाइपर 24 जो कि 24 आवर्स ओपन ही रहता है। और आप देख सकते हैं इधर एक बस स्टैंड, जो कि यहाँ के बस स्टैंड होते हैं फुल्ली एसी, आपको बाहर धूप में खड़ा नहीं होना है और गर्मी में नहीं रहना है, आप इसके अंदर आराम से बैठ सकते हैं जब तक आपकी बस आती है। और इसके साइड में था एक ये टेडी बियर का, जो कि इसमें आपको 1 दिरहम डालना है और इसमें से फिर टेडी बियर निकालना है। तो इस भाई ने डाला इसमें 1 दिरहम, इसका चांस आपको एक ही बार मिलेगा, आपको इसको ऑपरेट करना है और इसको नीचे लेके जाना है। अगर ये टेडी बियर आपका फंसता है तो आप इसको उठा सकते हैं, अदरवाइज़ मिस हो जाएगा तो आपको दोबारा डालना पड़ेगा। उसके बाद में फिर हम गए वहाँ से आगे, हमें जाना था यहाँ से अंदर, तो हम चलते हैं इसके अंदर क्योंकि यहाँ जब आए हैं तो अजय भाई को कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो हमने किया इसके अंदर एंट्री यहाँ से, उसके बाद में हमें जो चीज़ चाहिए थी हम उसके सेक्शन ढूंढने लगे। यहाँ पे रखी हुई थी बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उतने में मुझे दिखी एक बुर्ज खलीफा की मोमेंटो जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, तो मैंने उसको उठा के देखा। उसके बाद में अजय भाई तो स्टार्ट हो गया, बस ये रुकेंगे नहीं, ये इनको जो मिलेगा उसको देखेंगे, ट्राई करेंगे और जो इनको पसंद आएगा वो उठा लेंगे, ठीक है। बाद में सामान तो मैंने ही उठाना है क्योंकि मुझे ही लेके जाना पड़ता है सारा सामान हाथों में। उसके बाद में हम देखने लगे यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें रखी थी, आपको जो भी चाहिए बस आपको उठाना है और अपनी बास्केट में रख लेना है।
और जो जो पसंद आता रहे अपनी बास्केट में उठाओ और उसको रखो, बाद में आप काउंटर पे लेके जा सकते हैं। उतने में मुझे दिखे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तरबूज, जो कि मैंने एक उठा लिया। मैंने कहा इसको एक लेके चलते हैं। सौरभ भाई ने बोला नहीं यार, इतना बड़ा हम नहीं खा पाएंगे, तो हम छोटा ले लेंगे। उसके बाद में बोला नहीं यार चलो इसको रख देते हैं, नहीं चाहिए तरबूज। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वेजिटेबल का सेक्शन, जो कि एकदम क्लीन और हाइजीन रखे रहते हैं। उसके बाद मैं अजय भाई को ढूंढ रहा था, तो अजय भाई इस सेक्शन में घूम रहे थे। और यहाँ पे देखो ये वेजिटेबल फ्रूट्स आपको सब ऐसे ही मिलेगा, इनका प्राइस लिखा रहेगा, यहाँ पे कोई बंदा नहीं रहेगा आपको देने के लिए, तो जो आपको चाहिए आप वहाँ से उठा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें चाहिए थे परफ्यूम, और अजय भाई को भी चाहिए था परफ्यूम। अजय भाई ने यहाँ से उठाया एक फेस वॉश, अजय भाई ने बोला ये मुझे चाहिए। मैंने कहा आप उसको ले लो और मैं परफ्यूम उठा लेता हूँ। उसके बाद में और देख रहे थे जो अच्छे परफ्यूम थे और चाहिए थे, तो हम वहाँ से देखने लगे। तो मैंने कहा ये वाला तो मेरा रहेगा, इसको तो मैं लूँगा, पर थे ये सारे सेम परफ्यूम थे। और उसके बाद में ये हरी भरी वेजिटेबल यहाँ पे रखे हुए थे, जो कि मेरे को बहुत ही खूबसूरत लगे देखने में। और यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको बस उठा लेना है और ये यहाँ से उठा के लेके जाना है काउंटर पे, जो कि वहाँ से आपको बिल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे इनके प्राइस हैं। और आपको अगर हाफ चाहिए तो जैसे यहाँ पे तरबूज रखा हुआ है और जो चीज़ें हैं आप यहाँ से उठा सकते हो, अगर आपको कम क्वांटिटी में चाहिए तो। और यहाँ पे पूरा एग्स की ट्रे है, जो कि एक फ्रिज टाइप है ये, इसमें चीज़ें नहीं ख़राब होती। और यहाँ पे देखो ये इतनी बड़ी बड़ी गोभी और सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, जो भी आपको चाहिए आप उठाओ और अपने थैले के अंदर डाल लो। प्राइस आपको ऊपर दिख जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी का मिलता है, बस आपने उठा लेना है और अपने थैले में रख लेना है जितना केजी चाहिए आपको। यहाँ पे आपको एक स्टिकर लग जाता है, उसके बाद वो चीज़ जो आपने ली है वो आपको काउंटर पे लेके जाने पड़ती है और उसका बिल करवाना पड़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल, अनार और यहाँ पे काउंटर है साइड में, बस ये चीज़ें आपको यहाँ से उठानी है। यहाँ पे जो सब्ज़ी के काउंटर हैं आपको यहाँ से उठा लेने हैं। उठाने के बाद में यहाँ पे एक काउंटर होता है जो कि इसका वेट होता है, उस काउंटर पे आपको दे देना है। उसके बाद में इस पर एक स्टिकर लग जाएगा, उस स्टिकर में ही रहता है कितना केजी है। उसके अगर आपको कुछ नॉन वेज में भी लेना है तो उसी का भी सेम प्रोसेस ऐसा ही रहता है, आपको यहाँ से उठा लेना। और उतने में मैं अजय भाई को ढूंढ ही रहा था कि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ उठाते हुए दिख गए मेरे को। मैंने देखा तो ये फिर से परफ्यूम ट्राई कर रहे थे कि हाँ इसका फ्रेग्रेंस अच्छा है, तो इस परफ्यूम से हम एक एक और ले लेते हैं, जबकि इन्होंने पहले से ही चॉकलेट अपने उठा के हाथ में रखी हुई थी। उसके बाद मैंने बोला यार चलो बहुत टाइम हो गया है अब चलते हैं, तो हम आ गए यहाँ काउंटर पे। अब यहाँ से हम अपना बिल करवा रहे हैं। अजय भाई ने फिर से कुछ मिनट उठा के रख लिए यहाँ से कि हाँ मेरे को ये भी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ले लो इसको, तो हमने यहाँ से करवा लिया अपना बिल, जो कि हमारा बैठा था यहाँ पे 50 दिरहम का। फिर हम वहाँ से चलते हैं। वहाँ से जाने के बाद में हमें दिख जाती है एक हमारी गोलगप्पे की शॉप, जो कि हम यहीं पे खाने आते हैं। यहाँ के गोलगप्पे बहुत ही टेस्टी होते हैं और ज़्यादा प्राइस नहीं है उसका, ओनली 10 दिरहम पर प्लेट मिलता है। उसके बाद में हम खाते हैं यहाँ से आइसक्रीम, जो कि मेरे को चाहिए थी वेनिला, जो कि मुझे वेनिला पसंद है और मैंने ली वेनिला आइसक्रीम। उसके बाद में मैं अपनी आइसक्रीम को करता हूँ इंजॉय। अजय भाई ने वहाँ से करवाई मिक्स, जो कि वेनिला चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, तो मैं अपनी आइसक्रीम को कर रहा था इंजॉय। मैंने कहा मेरे को ये ख़त्म होने के बाद में दूसरी चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं फाइनली अपने रूम पर। बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग चलते चलते, क्योंकि हम बाय वॉकिंग गए थे। मैंने कहा भाई मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरे को जाके एकदम अभी सो जाना है। उसके बाद हम करते हैं अपना रूम ओपन, जो कि अभी लाइट ऑफ थी, हम लाइट ऑन करते हैं और आ जाते हैं अपने रूम के अंदर। यहाँ पे हमारे बेड, और उसके बाद में मैं करता हूँ चेंज, हाथ मुंह धुल के अब चलते हैं हम सोने के लिए। यहाँ पे हमारी टॉवल रैक, जो कि हम यहाँ पे अपने कपड़े सुखाते हैं और यहीं पे रखते हैं अपने कपड़े सारे। उसके बाद मैं थक चुका था तो मैं सोने के लिए निकल चुका था अपने बेड पर। मैंने किया अपना बेड थोड़ा सेट, उसके बाद में मैंने बोला जय श्री श्याम और लिया भगवान का नाम। उसके बाद चलाता हूँ मैं थोड़ा सा फ़ोन, हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। उसके बाद में मैं देखता हूँ अपनी वीडियो जो मैंने पहले से अपलोड की थी,
तो थोड़े टाइम मैंने देखी अपनी वीडियो और उसके बाद हम सो जाते हैं। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।